SantAkshat welcomes you on my YouTube channel How to play Bollywood songs on flute. आज के इस वीडियो में हम Q&A करेंगे, जिसमें मैं शामिल कर रहा हूँ आपके कुछ सवाल जो आपने मुझे पूछे हैं। देखते हैं वन बाय वन। नीलेश पंड्या जी, सर जी, स्वर ज्ञान कैसे होता है, क्या करना चाहिए स्वरों को समझने के लिए, इस पर एक वीडियो दीजिए प्लीज। नीलेश पांडे जी की तरह आप में से काफी लोगों का यह सवाल हो सकता है कि स्वर ज्ञान कैसे होता है। स्वर ज्ञान होने को बहुत जल्दी भी हो सकता है, बहुत देर से भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बिगिनर्स है, शुरू में सीख रहे हैं, तो बेसिक जो प्रैक्टिस होता है सुर को समझने के लिए, होल्डिंग नोट्स का बेसिक, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर अगर प्रैक्टिस चालू करते हैं तो सारे गम पद निशा तो करना ही होता है, और वो ही मेन है। जब तक हमारा सारे गम पद निशा क्लियर नहीं होगा, वो सुर हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे, तब तक हमें गाने का या कोई कंपोजिशन का सुर समझना मुश्किल हो सकता है। जैसे ये सा हुआ, तो होल्डिंग नोट का प्रैक्टिस मतलब एक नोट ज्यादा देर तक बजाना, जितना आपका स्टेमिना है उतनी देर तक एक नोट बजाएं, फिर दूसरे सुर पर, फिर तीसरे सुर पर, सारे गम पद निशा। इससे होता क्या है, हमारा एक एक सुर पक्का होते जाता है दिमाग में। सा मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या टोन है, क्या साउंड है उसका। सा तो इसका रे क्या हो सकता है, रे, तो ये हमारा अभ्यास से पक्का होते जाता है। सा के बाद रे ऐसा बजेगा, ग ऐसा है, ग म, तो ये सुरों का समझ आना, इसे ही स्वर ज्ञान कह सकते हैं। और जब हम कोई गाना लिखते हैं या कोई कंपोजिशन लेते हैं, कोई धुन लेते हैं, तो वो अगर पकड़ना है हमें, तो जब हमारे ये सुर बैठ जाएंगे दिमाग में, तो फिर गाने का या कंपोजिशन का जो सुर है सा, पहले वो समझ में आ जाएगा। पकड़ना होता है कि सा क्या है गाने का, और सा के बाद उसमें कौन कौन से नोट्स यूज हुए हैं। जैसे कंपोजिशन आगे बढ़ते जाता है तो हम वो सुर ढूंढते जाते हैं। नोट्स अगर हमारे दिमाग में सा बैठ गया है, सा सा, तो इसमें कंपोजिशन में क्या है, आ दा रा 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 आ, तो आ मतलब ग, आ रा रा रा, सा नी ध, तो हम सा नी ध बोले, सारे ग म प ध नि सा अगर सुर बोले, अगर नहीं भी बोले तो भी सुर तो वही आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इसे मैं ग सा नी ध नी सा ग कहूं, या फिर ग आ आ, सुर हमें समझ में आ चुका है। और कंपोजिशन में इसी पे फिर लिरिक्स रहेगा तो गाना बन जाएगा। बड़े अच्छे लगते हैं, इसी तरह। और सबकी अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर पे ये डिपेंड रहता है, कौन कितने जल्दी वो सुर बिठा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान रफीक जी, सर एनी व्हाट्सअप, सॉरी फ्रेंड, मैं बार बार बता चुका हूं कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूं। अतुल वर्मा जी, सर एक बात बताइए कि आप जो हारमोनियम का नोटेशन होता है वही फ्लूट के लिए भी होता है क्या। अतुल वर्मा जी, हाँ जी बिल्कुल,
जो हारमोनियम के नोट्स है वही नोट्स फ्लूट पे भी बजा सकते हैं और दूसरे साजों पर, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर भी बजा सकते हैं, लेकिन वो कंपोजिशन या वो गाना अगर उसमें कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे क्रोमेटिक रहता है तो उसमें हम सारे सुर आसानी से बजा सकते हैं, लेकिन फ्लूट पर हमें कुछ जगह पर डिफिकल्टी या दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें हम वो सुर अलग सुर पर शिफ्ट करके, ट्रांसपोज करके वो गाना या धुन बजा लेते हैं। आदिल साफी जी, ब्रदर आप कहाँ रहते हो? भाई मैं भारत में, मुंबई है, मुंबई में रहता हूँ। अमन रॉय, सर आप ऐसे ही सुरों से हमें लाभान्वित करते रहे। वी विल बी हाईली हाईली ऑब्लिक फॉर योर बेनिडिक्शन। थैंक यू जी। अक्षय परब जी, सर ग्रेट थैंक्स अ लॉट सर, इतने अच्छे ट्यूटोरियल देने के लिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है प्लीज? सॉरी, तिरवेश पांडे, सर आई वॉन्ट टू बाय फ्लूट टू लर्न बॉलीवुड सॉन्ग्स, प्लीज टेल मी विच स्केल फ्लूट आई बाय एंड फ्रॉम वेयर। त्रिवेश जी, आप फ्लूट सीखने के लिए अगर फ्लूट लेना चाहते हैं तो शुरू में आप वेल ट्यून प्रोफेशनल फ्लूट ही लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। और आप कहाँ रहते हैं? अगर आप मेट्रो सिटी में या फिर कोई शहर में रहते हो तो आपके नजदीक में कोई म्यूजिकल शॉप हो तो वहां से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी काफी फ्लूट मिल जाती है। और मेरे एक फ्रेंड है, मेरे गुरु भाई है, नीलेश पोटे, कान्हा नाम से उनके फ्लूट ऑल ओवर इंडिया में वो भी सप्लाई करते हैं, तो कान्हा साइट, कान्हा फ्लूट के साइट पर से भी आप ले सकते हैं। हरी कृष्ण फ्लूट, मैं आर्मी में एक सिपाही हूँ, ड्यूटी में पोस्ट पे बैठ के बांसुरी सीखता हूँ। हरी कृष्ण फ्लूट, जय हिंद सर, आपको सैल्यूट है, और आप पर मुझे और हम सारे देशवासियों को बहुत नाच है। 15 अगस्त आने ही वाला है तो आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये मेरा सौभाग्य है कि किसी न किसी जरिए अगर आप फ्लूट सीख रहे हैं तो मैं, मेरी सेवा आप तक पहुंच रही है। दिनेश जायसवाल, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु को प्रणाम। सॉरी, गुरु पूर्णिमा गए काफी टाइम हो गया, और भाई मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आपकी तरफ एक स्टूडेंट ही हूं, फ्लूट सीखता हूं आपकी तरह। वसीम अहमद, गुरुजी आई एम पाकिस्तानी। थैंक यू जी। पाकिस्तान से भी काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं और वीडियोस पसंद करते हैं, आप सभी का शुक्रिया। हसन सरदार, कोई शक नहीं कि ये गाने बहुत कठिन हैं, जिस तरीके से, जिस मेहनत से आपने समझाया है काबिले तारीफ है। थैंक यू जी। कदम फ्लूट्स चैनल शुभम, सर प्लीज सब्सक्राइब माय कदम फ्लूट चैनल और लाइक एंड कमेंट। भाई बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन आपके इस मैसेज के जरिए सभी को बताना चाहूंगा कि इस तरह के कमेंट्स प्लीज कोई ना करे, क्योंकि इससे आपके चैनल को या हमारे चैनल को खतरा हो सकता है। एक धर्मेंद्र जी है टेक चैनल, उनका माय स्मार्ट सपोर्ट्स, उनके चैनल पर भी काफी ऐसे कमेंट्स आते थे प्रमोशंस के लिए, या फिर सब फॉर सब, या मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, आप मुझे लाइक कीजिए, तो इस तरह कमेंट से
उनपे चैनल को स्ट्राइक लग गई है और उनके कमेंट्स काफी टाइम तक डिसेबल कर दिए गए थे। तो जरूर मतलब इस चीज का ध्यान रखिए कि इस तरह के कमेंट्स ना करें और ना किसी को कोई करता हो तो उन्हें भी ये सूचना दे दे। मीरज डीन, सर प्लीज हर एक सॉन्ग का पहला या लास्ट में फ्लूट पर पूरा बजाया करो प्लीज। मीरज डीन जी, थैंक यू आपका सुझाव देने के लिए। लेकिन होता क्या है, अगर हम फ्लूट कवर बजाते हैं तो हमें उस पे कॉपीराइट लगता है, जबकि हम तो ट्यूटोरियल बनाते हैं उस पर भी काफी वीडियोस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर कवर बनाना है तो मैं अलग से कवर बना के डाल देता हूँ, और ट्यूटोरियल है तो उसको ट्यूटोरियल तक ही रखता हूँ। अक्षय परब, सर आप क्लासेस लेते हो? जी नहीं। नरेश सुरेश, सुपर एक्सप्लेनेशन सर, बट आई डोंट नो इवन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूट्स आर, बट आई हैव इंटरेस्टेड टू लर्न सर, व्हाट आई शुड डू सर, एडवाइस मी प्लीज। नरेश सुरेश जी, आप कहना चाहते हैं कि आपको फ्लूट सीखना है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो एक्चुअली मैं अभी जो जो भी नए वीडियोस आते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे दो पार्ट्स डाल देता हूँ, ऑल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूट एंड म्यूजिक, तो उसके पार्ट्स वन जरूर देख लीजिए। और उसमें भी मैंने कहा है, यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि अगर जो सीरियसली कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है तो वेल ट्यून और प्रॉपर प्रोफेशनल फ्लूट ले या साज ले, अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी है तो, और अपने इलाके में अपने नजदीक में कोई गुरु हो तो प्रत्यक्ष गुरु के पास जाकर जरूर सीखिए। यूट्यूब पर भी आपको हेल्प मिल जाएगा, हमारे जैसे बहुत से चैनल्स मिल जाएंगे जो बेसिक भी सारा कुछ सिखाते हैं अच्छे से, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु के साथ में सीखने से अलग इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। और कितने टाइप्स के फ्लूट होते हैं, जैसे कीबोर्ड में या हारमोनियम पर काले सुर, काले बटन, व्हाइट बटन आप देखते हैं, इसी तरह फ्लूट में भी सफेद एक से सफेद एक तक और काली एक से काली एक तक, पूरे ऑक्टेव के बेस में, मिडल में और टिप के फ्लूट्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तमिश कुमार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल आर देयर, हाउ टू चेक स्केल एट द टाइम ऑफ बाइंग फ्लूट। तमिश कुमार जी पूछते हैं कि कितने टाइप के स्केल होते हैं। आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ऑल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूट एंड म्यूजिक वाला वो वीडियो जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ये चीजें समझाई हुई है। और फ्लूट लेते समय प्रोफेशनल वेल ट्यून फ्लूट लें, और अगर आप शॉपकीपर को बोलेंगे, प्रॉपर म्यूजिकल शॉप पे बोलेंगे तो वो उनके पास अवेलेबल रहता है, अगर नहीं है तो ऑनलाइन भी मिलेगा। और इसके पहले ही एक दो क्वेश्चन के पहले मैंने फ्लूट कहाँ से ले सकते हैं बता दिया है। राहुल बैरागी जी, नाइस सर, आप सर एक पंजाबी सॉन्ग पर भी सिखा दो सर, ओ को नहीं जान सर प्लीज। राहुल बैरागी जी, थैंक यू जी, कोशिश करूंगा, लेकिन जैसे कि चैनल का विषय है हाउ टू प्ले बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि बॉलीवुड सॉन्ग्स ही इंक्लूड किए जाए, और जो कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट अभी भी बहुत सारी पेंडिंग है, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि पेंडिंग्स ख़त्म हो जाए उसके बाद में दूसरे गानों पर ट्यूटोरियल बनाऊं। युवराज निषाद, सर कोई भी गाने का सरगम हम कैसे निकाल सकते हैं? इसी वीडियो के शुरू के एक दो क्वेश्चन में ही इसका जवाब दे चुका हूं युवराज निषाद जी।
राहुल बैरागी जी, नाइस सर एंड थैंक्स, मैं रक्षाबंधन पर अपनी सिस्टर के लिए जरूर बजाऊंगा। ओके, रक्षाबंधन के लिए जो मैंने फ्लूट कवर और ट्यूटोरियल डाला है इसके लिए बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, अरिंदम बैग, सर कैन आई प्ले अ सॉन्ग विथ अ डिफरेंट स्केल फ्लूट फ्रॉम द ओरिजिनल सॉन्ग विथ कराओके ऑन द सॉन्ग? जी, अगर आप ट्रैक के साथ बजा रहे हैं तो आपके पास, अगर मैं गाना एक मिनट ट्रैक अगर मेरे पास ये भी ए फ्लैट मीन्स जी शार्प काली चार का अगर ट्रैक है तो मैं प को सा बनाया है सी शार्प की फ्लूट पर, तो ये यहां से बजेगा, तो मुझे जी शार्प मिल रहा है प पर। अगर आपके पास सी शार्प का फ्लूट नहीं है, अगर दूसरा फ्लूट है और अगर ट्रैक के साथ आप बजाना चाहते हैं तो वो सुर मैच नहीं करेगा, क्लैश करेगा और बेसुरापन लगेगा। अगर आपके पास जी शार्प का ही फ्लूट है, मतलब काली चार का ही फ्लूट है, तो उसका सा कहाँ है वो देख लीजिए, उसका नेचुरल सा से ही वो गाना बजेगा। अगर आपके पास एफ शार्प का फ्लूट है तो रे के सुर पर से वो गाना बजेगा। तो गाने का सुर क्या है और आपके पास फ्लूट कौन सा है, तो वो गाने का सा हमें उस फ्लूट पर कहाँ मिलता है, तो उस हिसाब से उसका शिफ्टिंग होगा पूरा गाने का और उसका सरगम वहां से बनेगा। होप समझ में आ गया होगा, मतलब जो कुछ समय से अगर फ्लूट बजा रहे हैं 6 महीना साल भर 2 साल से, तो नहीं ये चीजें समझ में आ जाएगी। अगर जो बिगिनर से बिल्कुल अभी भी चालू किए हैं तो वो इन झमेलों में अभी ना पड़े। हॉलीवुड कुमार, सर मैं बिगिनर हूं, मेरे पास छोटी सिंपल फ्लूट है, मुझे एक ट्यून फ्लूट चाहिए, कहां से और कौन सी स्केल का खरीदूं, कुछ आइडिया दे दो। हॉलीवुड कुमार, अगर आपके पास कोई भी स्केल का फ्लूट है, अगर वो वेल ट्यून है तो नो प्रॉब्लम, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप और भी फ्लूट लेना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले इसका जवाब दे दिया। सर एक गुजारिश है आपसे, फिंगर स्पीड के बारे में वीडियो बनाएं। सर बहुत जरूरी है सर, थैंक। हर्षदीप जी, थैंक यू। फिंगर स्पीड आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए एक बार, और प्रवीण जी का या अंजनी सर का और ऐसे और भी दूसरे चैनल से जिनमें ये बेसिक आइडियाज दिए जाते हैं उनके वीडियो अवेलेबल है, तो आप। और मेरा मेजर फोकस यही रहेगा कि मैं ट्यूटोरियल ज़्यादा प्रोवाइड करूं, क्योंकि चैनल का विषय ही हो रखा है हाउ टू प्ले बॉलीवुड सॉन्ग, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने आप तक पहुँचा सकूँ। अगर बेसिक है तो उसके लिए और चैनल है, उस पर भी विजिट करके आप बिल्कुल सीख सकते हैं। राजेंद्र कुमार, सर विच कंपनीज फ्लूट यू आर यूजिंग, साइज ऑफ द फ्लूट, रिगार्ड्स राजेंद्र कुमार। सर मेरे पास 2-3 अलग अलग कंपनीज की फ्लूट है, लेकिन अगर कोई मुझे रिकमेंड कर रहा है, कोई पूछता है, तो मेरा जो गुरु भाई है दोस्त नीलेश फोटे, काना फ्लूट, उसका रिकमेंड करता हूँ। सोमया चक्रवर्ती, और जरूर नहीं, मैं काना बता रहा हूँ तो आप काना ही ले, आपको जो मतलब आपके शॉप पर अगर वेल ट्यून है तो वो भी दे सकते हैं। सुभाष जी का है, हर्षवर्धन जी का है, अलग अलग पूनम फ्लूट है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे जो आपको, या आपके शहर में हो, आप दिल्ली से हो तो वहाँ भी मिल जाएगा, बॉम्बे में है, जिस शहर में है अगर वहाँ आसानी से जो आपको कंफर्टेबली इजीली मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, आप ले लीजिए, और लेकिन वेल ट्यून और अच्छी प्रोफेशनल फ्लूट ही लीजिए।
सौम्य चक्रवर्ती। हाय सर, दिस इज टू गुड सर। एक्चुअली मुझे आपको सर नहीं गुरु कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जितना भी फ्लूट बजाना आती है वो सब आपसे ही सिखाया हुआ है। थैंक यू सर, और मुझे आपका ये वीडियो बहुत पसंद आया। थैंक यू जी। लेकिन आपको फिर मैं बताना चाहूंगा, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, फ्लूट सीखता हूँ। शिशिर गौतम। व्हाई नो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन आई क्लोज ऑल सिक्स होल एंड ब्लो एयर। मतलब इनका कहना है, अगर मैं सारे होल बंद कर दूं और फूंक मारता हूं तो साउंड ही नहीं आता है। अगर और भी किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो तो जरूर यहाँ का कॉर्ड प्रॉपर फिट है या नहीं चेक कर लीजिएगा। पीछे जो ब्लोइंग होल के पीछे जो कॉर्ड रहता है वो पूरा पैक होना चाहिए। अगर वो ओके कंडीशन में है तो कहीं फ्लूट में कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर आप छह सारे होल बंद करते हैं तो कहीं लीकेज तो नहीं है, वो भी चेक कर लीजिए। अगर कहीं क्रैक होगा या लीकेज होगा तो भी नहीं बजेगा। और अगर आपको कई बार लगता है कि हमें हमने सारे होल बंद कर लिए है, लेकिन जो बिगिनर्स है उन उनसे भूल हो जाती है या अभ्यास नहीं रहता, इसलिए फ्लूट पकड़ने में कहीं ना कहीं ऐसे लीकेज रह जाता है। तो इस तरह से आड़ी टेढ़ी आवाज आती है और प्रॉपर साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। अभी बंद है सारे हो तो साउंड आएगा। अगर यही अगर थोड़ा कहीं कोई भी फिंगर अगर ओपन रहेगा थोड़ा भी, तो इस तरह से साउंड नहीं आएगा। तो प्लीज ये दो तीन बातें चेक कर लीजिएगा। सौम्या चक्रवर्ती। सर मुझे एक और प्रॉब्लम आ रहा है फ्लूट बजाने में। प्रॉब्लम ये है कि आपके दिए नोट से एक या दो हफ्ता प्रैक्टिस करता हूँ तो वो गाना तो बजा पाता हूँ, लेकिन मैं नोट्स भूल जाता हूँ। पर अगर वो गाना बजाना हो तो मेरी ऑटोमेटिक बजा लेता हूं, लेकिन नोट्स याद नहीं रहते। क्या इससे बाद में कोई परेशानी आ सकती है? सौम्या चक्रवर्ती जी। जी बिल्कुल नहीं। मेन तो आपको वो धुन याद हो जाना चाहिए और गाना आपसे बच जाना चाहिए। मेन इंटेंशन इतना ही है। वो धुन वो सुर समझ में नहीं आते, इसलिए हम नोटेशन पे आते हैं। नोटेशन समझते हैं, अच्छा ये सुर है ये सुर है। जब सुर समझ में आ गए फिर तो नोटेशन हो या ना हो, धुन मेनली आपसे तो धुन बजनी चाहिए, वो गाना बजना चाहिए। अगर आपसे वो ऐसा नोटेशन आप भले भूल जाते हो लेकिन गाना बजा पा रहे हो तो अच्छी बात है। फार्माकोथेरेपी 2014। पाजी आप बिगिनिंग में पूरा सॉन्ग बजा दीजिए और बाद में ट्यूटोरियल स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू जी आपके सजेशन के लिए। लेकिन इस विषय पर का इश्यू मैं इससे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। रक्षित रिकी। आई ट्राइड फूलों का तारोगा, अच्छा आया है मेरी फ्लूट में। थैंक यू सो मच सर। इट्स बीन नियरली 6 मंथ्स आपसे सीख रहा हूँ। जनवरी में फ्लूट सीखना स्टार्ट किया था। प्रणाम गुरुदेव। भाई दाढ़ी मतलब मैं गुरु थोड़ी बन गया यार। मैं आपकी तरह बार बार यही बोलूंगा, आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, और अच्छा लगता है जब ये मुझे मालूम पड़ता है कि आप में से काफी लोग ऐसे बजा पा रहे हैं, ट्यूटोरियल से आपको लाभ मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। जो नए नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर आपके भी कुछ सवाल हो
तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट Q&A में हम इंक्लूड कर लेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग।